Hey guys and welcome to my channel. So today I will try doing Korean makeup look. Well, I'm not sure कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे because मेरे को अच्छे से मेकअप करना नहीं आता but I will give it a try. So वीडियो लंबा नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट हमने स्किन प्रेप कर लिए हैं यूजिंग माई मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन एंड ऑल. अगर आप मेरा मेकअप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं. हम उसमें एक बेस क्रिएट किए थे, लाइक हम वैसा ही कुछ बेस क्रिएट करेंगे बट हल्का सा डिफरेंट होगा. सो इसमें हम यूज़ करेंगे प्राइमर. दिस इज़ अ स्विस ब्यूटी पर्ल प्राइमर 40. सो ये हम प्रोडक्ट नया यूज़ किए हैं, आप लास्ट वीडियो में देखे होंगे लाइक प्रीवियस वीडियो पर कि मेरा भाई मेकअप किया था तो यही वाला प्राइमर यूज़ किया था. ये नया है, वो यूज़ किया हमको समझ नहीं है क्योंकि फाउंडेशन के बाद प्राइमर लगाया. बट लेट्स ट्राई दिस. वैसे प्राइमर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे मुझे देखिए प्राइमर लगा सकते हैं, प्राइमर लगाने कोई चश्मा तो लगने वाला नहीं है क्योंकि प्राइमर क्या करता है, स्किन को स्मूथ कर देता है. जैसे आपका मेकअप होता है ना, वो केकी नहीं लगता, काफ़ी सॉफ्ट हो जाता. वैसे ये प्राइमर का इतना कॉस्ट नहीं है, अराउंड 500 समथिंग कुछ है. बट डेफिनेटली इफ यू वॉन्ट टू चेक इट आउट यू कैन चेक इट आउट. सो नेक्स्ट आई एम गोना यूज मैट पोरलेस फाउंडेशन. नॉर्मल टू ऑयली स्किन वो वीडियो चेक कर सकते हैं. बट ट्विस्ट ये होगा कि इसमें हम मिक्स करेंगे अ लिटिल बिट ऑफ लॉरल पैरिस ग्लो मॉन अमोर. ये वाला हाईलाइट है, ये हाईलाइटर है, सॉरी हाईलाइट नहीं. बट हम ये इसमें इसलिए मिला रहे हैं ना क्योंकि थोड़ा जो कोरियन मेकअप लुक होता है ना वो काफ़ी ग्लोई होता है. एक्चुअली वो लोग का स्किन ही बहुत अच्छा होता है बट मेरा स्किन इतना अच्छा नहीं है. सो आई विल मिक्स दिस टू एंड देन आई विल अप्लाई. तो एक नेचुरल ग्लो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. सो नेक्स्ट आई विल यूज़ दिस लैक्मे एब्सोल्यूट का कंसीलर स्टिक है. एक्चुअली थोड़ा सा पुराना है तो उसका वो हट गया है, कौन सा शेड है कि क्या है. बट हम इसको अपने अंडर आई पे यूज़ करेंगे क्योंकि मेरे बहुत डार्क सर्कल्स है और थोड़ा इधर इसको भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे.
क्यों लग रहा है पता नहीं, बट ये हो गया है। नेक्स्ट इसको हम कॉम्पैक्शन थोड़ा सा सेट होने के लिए छोड़ देंगे। यू कैन यूज़ लूज पाउडर, वो भी अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास लूज पाउडर नहीं है, सो आई विल यूज़ कॉम्पैक्ट। एंड दिस इज़ फेसेस कैनेडा का। हम फिर से क्यों बोल रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में चेक कर लेना। क्रीज नहीं पड़ता, बहुत लोगों को नहीं पता अगर क्रीज क्या होता है, तो मेकअप करने के बाद जो ज़्यादा चपड़ चपड़ करता है उधर ना दरदरा सा कुछ आ जाता है, कुछ तो आता है दरदरा, सो वो आ जाता है, तो उसके लिए कॉम्पैक्ट यूज़ करना चाहिए। वैसे हम कोई प्रो नहीं है, बट हाँ आपको बता देती हूँ। सो दिस इज स्विस ब्यूटी आईब्रो एंड जेल लाइनर, और ये 24 आवर्स तक स्टे करता है। वेल प्रीवियस वीडियो में जब मेरा भाई मेरा मेकअप किया था, तो वो गलती से लाइनर को मैं आईब्रो में लगा दिया, बट गलत तरीके नहीं मेरे ज़्यादा। सो एक्चुअली ये यहाँ से खुलता है इधर से, और ये है जो ये लगता है आईब्रो में। ब्रश वो ठीक यूज़ किया, पर पता नहीं क्या, पता नहीं। तो ये हो चुका है, ये इतना डार्क कैसे हो गया, उतना डार्क भी नहीं है, ठीक है, मतलब जब पूरा मेकअप हो जाएगा तो ये डेफिनेटली अच्छा लगेगा। सो नेक्स्ट हम ब्लश लगाएं। ओके लेट्स यूज ब्लश। सो ब्लश हम यूज़ कर रहे हैं फेसेस कैनेडा का अल्टाइम प्रो ब्लेंड फिनिटी स्टिक। कोरियन में मतलब कोरियन मेकअप लुक में ब्लश बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो लोग ब्लश बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लोग स्किन वो लोग काफ़ी पेल होता है, मतलब येलोइश होता है, तो ब्लश यूज़ करना वो लोग के लिए अच्छा होता है। वो लोग के लिए मतलब आप भी यूज़ कर सकते हो, वो लोग यूज़ करते हैं अपने कोरियन मेकअप लुक में। कोई प्रॉब्लम क्या है ना, लोग मेकअप करते करते कैसे बात करता है मेरे को नहीं पता, मेरे को थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है, क्योंकि उनको कोई मेकअप करना उतना अच्छा आता नहीं। तो अभी क्या है ना, अगर ये मेकअप थोड़ा बर्बाद हो गया ना, बहुत बुरा लगेगा। तो ब्लश हो चुका है, अब हम यूज़ करते हैं आई शैडो। हम करेंगे आई शैडो आईज में। सो आई शैडो आईज में, ठीक है। तो ये वाला तुम ये वाला ब्रश यूज़ करेंगे, ये वाला टू डू माई आईज। तो पैलेट हम आपको दिखा देते हैं, एक सेकंड। ये लैक्मे का है, लैक्मे सिल्वर का। इसमें जितना कलर्स है ना, मतलब कोरियन लोग ज़्यादातर अगर डेली मेकअप भी करता है तो वो लोग आईज में बहुत न्यूट्रल कलर और एकदम न्यूड शेड यूज़ करता है, फिर पिंक ऑरेंज ऐसा कुछ। मेरे पास भी इस पैलेट में सेम वैसे ही कुछ शेड है। इससे कोई बड़ा पैलेट है भी नहीं, क्योंकि हम आई शेडो यूज़ ही नहीं करते, बट हम कोरियन मेकअप लुक कर रहे हैं इसलिए हम आई शेडो यूज़ कर रहे हैं। सो पहले हम यूज़ करेंगे ये बेस लाइट शेड से यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम डीप कलर में जाएंगे, वो आपको दिखा देंगे कि हम कौन से कलर पे जा रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा है वो दूसरे हाथ में दे देते हैं।
Now I'm gonna use orange. Wow, talent है मेरे अंदर. So हम ये ऑरेंज यूज किए, अब हम ये पिंक यूज कर रहे हैं हल्का हल्का, नॉट टू मच, एकदम लाइट. एज यू कैन सी द डिफरेंस, डिफरेंस ये है कि जैसे कोरियन लोग के डबल लीड है वैसे ही मेरे भी है. सो ये चीज़ क्या कर रहा है ना, आपका आँख को बड़ा मतलब दिखाएगा, मतलब ऐसा कुछ, इसलिए वो लोग ऐसे ही यूज़ करता है. मतलब वो लोग इतना ऊपर यूज़ नहीं करता और वो लोग बाहर भी नहीं यूज़ करता, हम भी वही कर रहे हैं. अब हम दूसरे आँख में कर लेते हैं. ओके, सो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अब हमको इसको जो पिंक कलर है उसको हम वाटर लाइन के थोड़ा सा नीचे देंगे. वाटर लाइन में हम लोग यूज़ करेंगे ये वाइट काजल. अब इसके लिए छोटा ब्रश चाहिए होगा. सो ब्रश इतना कुछ छोटा कि नीचे उसको अच्छे से वो कर सके. एंड इफ यू वांट आप हल्का सा गोल्डन का भी टच दे सकते हैं. ओके, सो आईज हो चुका है. हम यूज़ करेंगे नायका का कर्ल पार मस्करा. अब हम इसको थोड़ा सा सुखा लेते हैं. अब हम लगाएंगे लाइनर. लाइनर मेरे ज़िंदगी का सबसे टफ काम है, लाइनर लगाना. ठीक है, मान जी. सो द लास्ट स्टेप इज लिपस्टिक. इसे लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट स्टेप. कोरियन लुक मेनली रेड या पिंक ऐसा शेड है, लिपस्टिक प्रेफर करते हैं. सो हम यही करेंगे. सो हम ये लगाए हैं स्विस ब्यूटी का
मैट रेवोल्यूशन, शेड है R1। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो यूज कर लीजिए, ये है सी ब्यूटी का मेकअप फिक्स नेचुरल एवरा विद विटामिन ई मास्क। सो हम थोड़ा सा बाल ठीक कर ले फिर मिलते हैं। सो दिस इज माई फाइनल लुक, आप लोग देख सकते हैं। ये था मेरा आज का कोरियन मेकअप लुक। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले। मेकअप करने में बहुत मेहनत लगता है तो डेफिनेटली लाइक तो ज़रूर करें और कमेंट करें कि इसके आगे आपको कोई अगर लुक देखना हो ऐसा कुछ तो वो भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन